देखिए दशरकुलर आवास पर हमारी मौजूदगी है और सीधा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं राबड़ी देवी के आवास से। और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो फिलहाल जिस तरीके से आपको याद होगा पिछली बार भी यही समय था, यही तारीख थी जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हुए थे तेजस्वी आवास पर और उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दशरकुलर आवास से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, साथ में ललन सिंह हैं, साथ में विजय चौधरी हैं और पूरी आप कह सकते हैं जो जदयू कुंबा है वो एक साथ जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं दशरकुलर आवास से ये सीधी तस्वीरें हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ललन सिंह तस्वीरों में आपने देखा, दशरकुलर आवास से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इफ्तार का ये ओकेजन है जिसमें बिहार की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां, अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो राजद के द्वारा सभी को न्योता गया है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो या फिर जो मुख्य सहयोगी दल है राष्ट्रीय जनता दल का जनता दल यूनाइटेड, सभी नेता नीतीश कुमार को आपने देखा, ललन सिंह उसमें मौजूद है, विजय चौधरी मौजूद है, संजय झा, ये जो तमाम नजदीकी लोग हैं नीतीश कुमार, पिछली बार आपको याद होगा यही तारीख थी और यही मौका था जब पैदल मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार पहुंचे थे दशरकुलर आवास और उसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर में बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया था। तो इस बार भी एक नई समीकरण बिठाने का यह प्रयास किया जाएगा क्योंकि पप्पू यादव को 2015 के बाद ये पहली दफा हो रहा है जब पप्पू यादव को न्योता दिया गया है। जो खबरें आई हैं खुद नीतीश कुमार ने, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव ने खुद पप्पू यादव को कॉल किया है, चिराग पासवान को कॉल गया है, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और ऐसे तमाम जो दिग्गज हैं उन सभी लोगों को कॉल गया है। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो दशरकुलर आवास पहुंच चुके हैं। इफ्तार का जो समय है वो 6:09 है और लगभग यही समय हो रहा है। अब इंतजार है उन नेताओं का जिनको न्योता गया है, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर चिराग पासवान का। लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो फिलहाल अंदर जा चुके हैं और जो भी नेता पहुंचेंगे वो तमाम अपडेट्स जो होंगे वो आपको हम पता दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए अभी यहाँ तो आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक साथ जा रहा है तो वीडियो में देख सकते हैं।